चनैनी में भी रात को बारिश हुई, जिससे एग्रीकल्चर से काफी नुकसान पहुंचा है। इसी को लेकर अभी नदी पर जो ब्रिज बनाए गए थे वो भी डैमेज हो गए और उसी पानी के साथ वो भी बह गए। व्यक्ति का मकान डैमेज हो गया है बारिश के कारण। हमारे साथ पीडीसी चेयरमैन जो चनैनी के हैं, चनैनी ब्लॉक के, अभी वो हमारे साथ लाइन पर हैं, अभी उनसे हम बात करेंगे। हेलो सर, हमें जानकारी देते हुए अपने नाम का परिचय करवाएं, साथ में ये भी बताएं कि बीती रात को यहाँ पर कितना नुकसान हुआ और इतनी तेज बारिश से कहाँ कहाँ पर किस किस तरह का नुकसान पहुँच पाया गया लोग? जी धन्यवाद आपका, लोगों की आवाज़ आपने उजागर की। और जो कल से दो तीन दिन से बारिश चल रही है और रात को बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से कुछ मकान डैमेज हुए, जिनमें कुछ हमारी नौबस्ता दी पंचायत जो है यहाँ से है, कोई एक कासिम जी है, उनका एक टोटली मकान जो है इस बारिश से डैमेज हुआ है। एक टेम्परेरी जो लकड़ी का लोगों ने ब्रिज खुद लगाया था वो भी उससे पानी ज़्यादा आने की वजह से वो भी चला गया है और उसको भी जल्द से जल्द उनका कुछ ना कुछ हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों का बड़ा आना जाना है उस इलाके के लिए। और तीसरा जो है ये हमारी गुजरात टू चेडी जो रोड PMGSY वालों ने बनाई है, इस रोड की नाली न बनने की वजह से काफी लोगों को 30-40 घरों को नुकसान पहुंचा है। यहाँ पर लोगों की फसल जो नई नई अभी मक्की गुड़ाई की थी वो पानी जो है सारा का सारा जमीन के अंदर जाने की वजह से पूरी फसलें लोगों की तबाह हो गई है। और ये अगर इन्होंने नाली बनाई होती तो ये नुकसान लोगों का नहीं होता। सर साथ में हमें ये भी बताया कि जो चनैनी से सुरमादेव के बीच में SRM कंपनी के द्वारा नेशनल हाईवे 244 बनाया जा रहा है, उससे भी लोगों को काफ़ी नुकसान पहुंचा गया है। तो साथ में ये भी बताया हमें वहाँ के कुछ स्थानीय लोगों ने, जो चुल्हाट पंचायत थी वहाँ पर एक पुली ना बनाने से वो जितना भी पानी था वो सारा रोड में ही जमा हो गया, जिसमें लोगों को कहीं 4-5 घंटे जाम में ही रुकना पड़ा। बनी हुई थी जो लोर मादा के अंदर, जैसे मैंने बताया कि वहाँ नई नई कंस्ट्रक्शन जो SRM कंपनी की चल रही है, तो इन्होंने कहीं यहाँ बहुत बड़े बड़े अर्थवर्क किए हुए हैं, तो नीचे इन्होंने नाली ना बनाने की वजह से वो जितना भी पानी था साइडों से बहकर और रोडों के बीच में वो जमा हो, पर 2-3 घंटे वहाँ ट्रैफिक भी जाम रही और नई नई जो स्लाइडिंग आई उससे भी लोगों को काफी नुकसान हुआ। और जितनी जमीन इन्होंने ली हुई है SRM कंपनी ने, उसके अलावा 100 जो इसमें इस तेज बारिश से लोगों का नुकसान हुआ हो गया है, तो इसमें क्या लोगों को मुआवजा वगैरह दिया जाएगा सर? नहीं, हमें एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम रिक्वेस्ट करेंगे, हम डेवलपमेंट कमिश्नर से रिक्वेस्ट करेंगे और आपके माध्यम से ही हम आगे आवाज अपनी पहुंचा रहे हैं कि जिसकी लापरवाही की वजह से, अगर मादा के अंदर PMGSY की वजह से उनकी लापरवाही की वजह से लोगों को नुकसान पहुंचा है, तो इस PMGSY डिपार्टमेंट से उनको कुछ ना कुछ एडमिनिस्ट्रेशन दिलाए। और यहाँ पर जो SRM कंपनी की वजह से नुकसान हुआ है तो उसके जिम्मेदार कंपनी मंडी है, जहाँ तक किसी के कारण किसी को नुकसान ना पहुँचा होगा तो वहाँ पर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे SDM चनैनी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर उधमपुर, जो जायज़ होगा वो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन देखेगी और जो नुकसान जिसकी वजह से हुआ होगा वो उस डिपार्टमेंट से वसूला जाए और लोगों को मुआवजा दिलाया जाए। ठीक है, धन्यवाद सर। ऐसे ये थे हमारे साथ PDC चेयरमैन जो ब्लॉक चनैनी के, इन्होंने ये बताया कि अगर PMG के द्वारा लोअर मादा में लोगों को जो नुकसान पहुंचाया गया है
प्रॉब्लम एक थी कि वहां पर पुली ना बनाने के कारण जो पानी जितना था रोड में जमा हुआ वो सारा लोगों के घरों के भीतर चला गया, जिसमें 40-50 के लगभग घर उस पानी में आ गए और उन घरों में पानी वो चला गया। और उसी को लेकर चज जिसमें नगुलता बी पंचायत ये आती क्या नगुलता बी के पंचायत, वहाँ पर एक व्यक्ति का मकान ग्रस्त हो गया है तेज बारिश से, जो भी उसका उसमें जाल माल का कोई नुकसान नहीं होगा गया। और मतलुआ बी वहाँ पर भी जो लोगों ने अपनी कंट्रीब्यूशन से एक ब्रिज बनाया था तवी के ऊपर, वो भी पूरी तरह से उस तवी नदी में बह के ले गई है। और SRM कंपनी के द्वारा नेशनल हाईवे 244 बनाया जा रहा है चनैनी से सुदमा देव की तरफ, वहाँ पर भी उस कंपनी की वजह से बीच में कहीं जगह पर इन्होंने नाली नहीं बनाने से वो लोग जितना भी पानी उस रोड में जमा हुआ वो सारा उस रोड में आ गया, जिसमें 4-5 घंटे पर लोगों को जाम का सामना करना पड़ा और जगह जगह पर लैंडस्लाइडिंग हुई, जिससे लोगों की काफ़ी प्रॉपर्टी नुकसान पहुँच गया। इसी के चलते बीती रात को जो बारिश हो रही थी तो उसमें लोगों की जो एग्रीकल्चर लैंड थी उससे काफ़ी नुकसान पहुंचा गया है, और जो फसल इन्होंने लगाई गई थी मक्की की वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। और इन्होंने जिला प्रशासन से ये मांग की है कि जो लोगों का नुकसान हुआ है तो उसको एडमिनिस्ट्रेशन और कंपनी की वजह से होता है तो वो कंपनी उसको भरपाई करेगी, अगर कोई डिपार्टमेंट की वजह से हुआ है जैसे PMG के द्वारा एक रोड बनाया जाता है तो वो PMG डिपार्टमेंट उसको भरपाई कर पाएगा। और मीडिया वन देखते रहिए, मैं संजय ठाकुर।